को इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के सबसे खूबसूरत चौराहे पर, यानी हमारे पीछे जो है वो उसे बोलते हैं टैंक चौराया, और ये भारत पाक युद्ध का गवाह है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये फाइटर जेट है जो कि एयर स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत के तौर पर रखा हुआ है। और इधर आप देख सकते हो 1971 के युद्ध में जीते हुए पाकिस्तान से जो टैंक हैं वो ये रखे हुए हैं। पहले जो टैंक हमने पाकिस्तान से जीते थे वो रखे हुए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी टैंक जिन्होंने पाकिस्तानियों से लोहा लिया था वो स्वयं रखे हुए हैं। अभी थोड़ी सी इनकी रंगाई पता ही हो चुकी है। बेसिकली ये वही है जो 1971 के युद्ध लड़ा था इन टैंकों ने। और ये जो पीछे फाइटर जेट है वो एक तरह का मॉडल है, लेकिन इसे देख के लगता है कि सच में ये तेजस लड़ाकू विमान है भारत का। एरिया के बारे में बताइए जरा। ये गो कार्टिंग का है, यहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है जो गो कार्ट अलाउ करती है, वो आप सीख सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की कार लेके सीख सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। और बगल में एडोटेरियम है, पर्सनल वाहन ला सकते हैं यहाँ पे अपना, हाँ, खुद की निजी गाड़ी हो हाँ लेके आ सकते हो, पर जब तक गो कार्टिंग खुले ना जब तक आप चला सकते हो। ओके, और ये भी अवेलेबल करवा दें आर्मी वाले। या सुबह सुबह भी आते हैं जॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो गाइस ये है गो कार्टिंग एरिया, और इसके अंदर अभी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बटालियन नहीं है, तो इसके अंदर गाड़ियाँ हैं जो अवेलेबल करवाते हैं लोगों को। और जो ट्रैक जो हमने अभी दिखाया वहाँ पे कार चलाते हैं लोग, ट्रैकिंग करते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो अभी ये हाल फिलहाल बंद है, इसके अंदर बैटरी वाली है या फिर बैटरी से ऑपरेट होती हैं। तो देख सकते हो ट्रैक है पूरा, यहाँ पर कार्टिंग कर सकते हैं लोग। तुम्हारी कार्टिंग ना कर जाए डब्बे। Yeah.